मौसम समाचार में आपका स्वागत है। रोजाना ताजा मौसम की अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी परफेक्ट न्यूज को। तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। मानसून की देरी के कारण उत्तर भारत के लोग भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम कार्यालय ने यह भी कहा है कि आज से अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत और आसपास के क्षेत्रों के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल जताई जा रही है। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां कल चक्रवाती तूफान विपार जॉय के असर से बारिश हुई, तो वहीं आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक बारिश की भविष्यवाणी जारी कर दी है। साथ ही इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल मौसम सबसे अधिक सुहाना रहेगा। आईएमडी के अनुसार अगले सप्ताह के अधिकांश दिनों के दौरान ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति जारी रहने वाली है। सप्ताह के पहले भाग के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना, जबकि अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में लू चल सकती है। चक्रवाती तूफान विपार जॉय के गुजरात में आने के बाद आज राजस्थान इससे प्रभावित हो सकता है। राजस्थान में विपार जॉय तूफान की एंट्री के बाद बाड़मेर में तेज बारिश शुरू होगी। तूफान के कारण प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही में सबसे ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहे मौसम की ताजा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।